बट अगर यूपीएस ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंस और बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट फायर, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल वो नहीं पूछेगा फॉरेस्ट फायर का लॉस क्या है ना। द सेकंड थिंग इज केस स्टडी ऑफ उत्तराखंड जो आपके मेंस में काम आएगी, बाकी तो आपको पता है फॉरेस्ट फायर का क्या होता है और क्या है। सी अमेजोन फॉरेस्ट इज अ रेन फॉरेस्ट और व्हाट रेन फॉरेस्ट, इट मींस रेन फॉरेस्ट का एक रेन इज देयर है ना प्लस ह्यूमिडिटी, ये दो फैक्टर तो होंगे। इट मींस देयर आर लेस चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर बट ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट चेंज हुआ तो अल्टीमेटली नाउ अमेज़न आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज पर, यू कैन यूज दिस एग्जांपल इन दैट। इफ यूपीएस आस्क यू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, you can use that for example in Amazon forest fire climate change was a one of the major, not the major, cattle ranching was a second factor. Cattle ranching theek hai, they cleared the forest land, deforestation, so this is one of the major factor. Now the question can be on Amazon, तो अमेजोन फॉरेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन किसी टेस्ट में डाला भी था, अमेजोन कौन कौन सी स्टेट कंट्री में है, अभी नहीं मेरे ख्याल से 3-4 टेस्ट पहले, तो वो आपको याद कर लेंगे, इंटरनेट से निकाल लेना दैट कौन कौन सी कंट्री है यहाँ से अमेजोन फॉरेस्ट निकल, दे कैन आस्क। ओके द थर्ड थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जो, दिस इज कॉल्ड लंग्स ऑफ मैन, क्वेश्चन डाला था ना 20% डिग्री फॉरेस्ट फायर हुई ना, कब का डेटा, जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से 20, समवेयर अराउंड 20-30 लिख दो नाराज हो जाए, 20% ऑफ ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय दिस फॉरेस्ट, नो दिस फ्रॉम दिस वी कैन से इम्पोर्टेंस, वन थिंग इज क्लियर दैट फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजेंट मैटर विच कंट्री इज इट इज है ना, चाहे वो इंडिया है ब्राज़ील है या कोई भी, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस वे वी शुड नो द स्टेटस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ये भी तो पता होना चाहिए है ना। इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर दो रिपोर्ट है, यू शुड नो टू पॉइंट्स फ्रॉम दीज टू बोर्ड, कि दो पॉइंट ऐसा मेन्स में भी काम आएंगे आपके और दे कैन बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, तो वो दो रिपोर्ट है क्या क्या। नंबर वन इज स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, अब इस रिपोर्ट में बोला गया है नंबर वन इज एटलीस्ट 60% ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर इफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर ईच ईयर, आर इफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर ईच ईयर। देखो ये रिपोर्ट तो है तो बहुत बड़ी, लेकिन जो काम की चीज़ है वो दो तीन ही है, कि 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है ना, सो इट मीन दैट द मेजर एरिया ऑफ इंडिया इंडियन फॉरेस्ट इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। द सेकेंड पॉइंट इज स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट अकाउंटेड फॉर ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ फायर, स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट अकाउंटेड फॉर ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ फायर डिटेक्शन बट लार्जेस्ट एरिया ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फायर डिटेक्शन
फायर डिटेक्शन जो होती है जो ग्रेटेस्ट हो दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट. रीजन पढ़ा हुआ है आपने, कुछ बोल रहे हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा. द बट द लार्जेस्ट एरिया अफेक्टेड इज सेंट्रल रीजन. थर्ड पॉइंट जो है इंडियन मानसून आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल नेचर ऑफ फॉरेस्ट फायर. तो ये कौन सा एंगल आ गया क्लाइमेट चेंज का, है ना. एल नीनो था इवन इन 2016 जब उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर वाज हैपन. तो जो फॉरेस्ट फायर का पीक मंथ है दैट इज मार्च और अप्रैल, ये आप याद रख लेना यूपीएससी पूछ सकते. मार्च और अप्रैल, अप्रैल में क्या होता है इट इज़ अ प्री मानसून सीजन, है ना. मार्च और अप्रैल दैट इज अ फॉरेस्ट फायर पीक सीजन इन इंडिया. क्लियर. फॉरेस्ट फायर पीक टाइमिंग क्या है इंडिया में, क्या उसमें लिखा होगा लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल नेचर ऑफ फॉरेस्ट फायर. ओके अब आते हैं मेन कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर. बट ये कैसे इंडियन मानसून कैसे इफेक्ट करती है सीजनल नेचर ऑफ फॉरेस्ट. देखो इंडियन मानसून क्लाइमेट चेंज से चेंज हो रही है. फॉरेस्ट फायर नीड अ ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट. अगर एल नीनो आ गई तो क्या होगा मानसून इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. नो वंस इट डिक्रीज तो क्या होगा रेन कम होगी. नो विद लेस रेन क्या होगा ड्राई एनवायरनमेंट विल बी इट गेट अ मोर टाइम स्पैन, है ना. तो वहाँ से फॉरेस्ट फायर होगा. क्लियर. नो द कॉजेज देयर आर टू टाइप ऑफ कॉजेज, जल्दी लिख लो आपको पता है वैसे. वन इज नेचुरल, अनदर वन इज एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल में क्या क्या आएगा, लाइटनिंग नंबर वन, लाइटनिंग, क्लाइमेट चेंज, और एंथ्रोपोजेनिक भी लिखो नंबर वन कैटल ग्रेजर, They produce small fires to obtain good grazing grass. Clear? They ignite small forest fire to obtain good grazing grass. देखो एक तो आपको बेनिफिट में याद रखना है. तो वंस यू बर्न अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है. अब इससे क्या होगा आफ्टर बर्निंग एश, तो ये क्या करेंगे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज. तो दिस इज द रीजन फॉर दिस स्लैश बर्निंग, ये है ना रीजन. नॉर्थ ईस्ट या अदर इवन उत्तराखंड जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं दे वो करते ही हैं, दे बर्न अ फॉरेस्ट एरिया उसमें उसकी प्रोडक्ट न्यूट्रेंट हाई होते हैं, है ना. आफ्टर बर्निंग दे यूज दैट पर्टिकुलर एरिया, जब उसकी न्यूट्रेंट कैपेसिटी डिक्रीज होती है देन दे गेन बर्न अ न्यू एरिया. सो सिमिलरली द फॉरेस्ट ग्रेजर वो एक एरिया को बर्न करते हैं, उसमें जो उसके बाद ग्रास आती है वो हाई क्वालिटी और इंक्रीजिंग एरिया, है ना, ड्यू टू मोर न्यूट्रेंट्स. सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन. The second reason is use of fire by villagers to ward off animals, wild animals.
जैसे कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, नो लेट अस सपोज अ पर्टिकुलर विलेज इन दिस एरिया है ना, तो वहां से एनिमल गांव में आएंगे और टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ यहां पे ये क्या करते हैं फायर, ठीक है। अब ये फायर कभी बार क्या करती है दूसरी साइड को ले जाती है, ठीक है, व्हिच लीड टू अ बिग डिजास्टर एक फॉरेस्ट फायर। द अदर वन इज केस स्टडी लिख लो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर 2016। इफ यूपीएससी आस्क यू क्वेश्चन ऑन फॉरेस्ट फायर इन मेंस यू हैव टू मेंशन उत्तराखंड केस, अदरवाइज तो नॉर्मल आंसर होगा। नो सी देयर वर पाइन्स ट्री उत्तराखंड, देयर वर पाइन्स ट्री इन उत्तराखंड, पाइन भी दो पाइन ट्री इन उत्तराखंड, these are coniferous, conifers, they have needle like leaves which ignite very easily. Now these pine tree cover 16% of Uttarakhand area, Uttarakhand ka jo forest hai. To Uttarakhand ki government ke dimag mein ek baat aayi, unhone pucha bhi yahan kya karega forest wale, to ek IAS ne bola ki theek hai aag laga do pines that eliminate these from forest area. 60% एरिया को निकाल दो, है ना। सो देन द उत्तराखंड गवर्नमेंट वर क्रिटिसाइज बाय द मीडिया स्पेशली द हिंदू, ठीक है। सो इट मीन्स दैट फर्स्ट थिंग यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइन ट्रीज, है ना, एंड सेकेंड थिंग इज यू शुड नो द केस ऑफ उत्तराखंड कि उत्तराखंड केस में हुआ क्या। तो इसमें लिखो रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड, वन इज हाई टेम्परेचर, सेकेंड इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज क्लाइमेट चेंज, फोर्थ वन इज मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिफ्थ वन पाइन ट्रीज जिसको चीर पाइन भी बोलते हैं। द पाइन ट्रीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना। पाइन ट्री के ऊपर आपको प्री में क्वेश्चन आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वी कैन से बेनिफिट ऑफ पाइन ट्रीज, तो बेनिफिट क्या है इसका? एक तो लिख लो फ्यूल वुड, फर्नीचर, इसकी बार्क जो है उससे बनती है चारकोल, कॉमा रेजिन, रेजिन क्या होता है टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल TURPENTIN, ठीक है, ये मेजर मेजर इसके बेनिफिट है। Now you have to mention an example that in Uttarakhand where the government trying to eliminate the pine tree is not a right strategy. We have to take some steps. अभी after Amazon forest, अभी जो government new step लेगी वो आपको newspaper में आएंगे, उसके आगे add कर लेंगे। But एक चीज है that how we get information about forest fire. इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है आपको? गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है यहाँ पे आप कौन सी सेटेलाइट? एक है मॉडिस, सेकंड वन इज बीआई IARS, these two are satellite of किसके हैं? मोदी के? क्या क्या बोल रहे हो? अरे सब कुछ मोदी जी का थोड़ी ना, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, किसके हैं? नासा, इसरो के नहीं। तो दे गिव इंफॉर्मेशन टू इंडिया,
तो इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है एक एनालाइज कि भाई कौन कौन से एरिया की फोटोग्राफ है ये, है ना, कि कहाँ कहाँ पर चांसेस हैं फॉर फॉरेस्ट फायर. नाउ आफ्टर दैट इट गेव इंफॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट कंसर्न स्टेट. इंफॉर्मेशन कंसर्न स्टेट के पास आ गई, देन इट गोज टू डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर. Divisional Forest Officer. From here, it goes to actual जो forest है ना particular area. It means first information goes to India, where the forest survey of India analyze कि हुआ क्या क्या है, कहाँ पर problem है. Then it will send the information to concerned state. Let us say in this case Uttarakhand. Uttarakhand के पास चलेगी, वहाँ की government किसको भेजेगी? Divisional Forest Officer pass information. From there it goes to the local area, जो भी इसमें है. Clear है? No, previously this whole process took 6 hours, 6 घंटे लगते थे. 6 घंटे में क्या अक्सर क्या हो जाए, है ना, अगर एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिली, टू रिले दैट इन्फॉर्मेशन लोकल लेवल इट टुक 6 hours. नाउ इट रिड्यूस टू 2 hours, मतलब बाकी 4 घंटे वो रेस्ट कर सकते हैं, 6 तो पूरे करने हैं. So now we have a better chance to curb that particular forest fire in that particular area. Clear ये इतना समझ आया, ठीक है. So MODIS and VIRS, तो इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं. इंडिया के बताते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी पर्टिकुलरली हम एक यूज करते हैं, एक यूनिवर्सल सैटेलाइट होता है ना जो सारे यूज कर सकते हैं फॉर द कम्युनिटी, जैसे लॉन्च करते हैं, दिस इज वन ऑफ द. तो अभी हम बेसिकली यही यूज करते हैं, इसलिए इंडिया कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट फायर के लिए लॉन्च ही नहीं कर रहा. आ रही है इन्फॉर्मेशन, क्या है, एक टॉपिक बढ़ जाएगा आपका. ओके, नाउ मेथड, नेक्स्ट टॉप मेथड टू स्टॉप फॉरेस्ट फायर, क्या क्या होंगे, कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं. यस, हेलीकॉप्टर, वन इज हेलीकॉप्टर, यूज ऑफ हेलीकॉप्टर, इसमें क्या करेंगे, स्प्रे ऑफ केमिकल और वाटर. लेकिन ये इंडिया में यूज नहीं होता, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तो हमारे होम मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं शीशे से, वो दिखाते हैं ना, वो सर्वे कर रहे हैं, वो ऐसे देखते हैं नीचे, हाँ लगी हुई है, चलो चलो भाई वहाँ पे जाने का क्या फायदा है ना, सर्वे उसका करना क्या है. हाँ वो भी करवाते हैं, वो भी काटते हैं, ठीक है. द सेकेंड वन इन्होंने सही बोला, दैट नेचुरल बैरियर. इन दिस वी कंटेन फायर बाय कंपार्टमेंट. कैसे होता है, लेट अस सपोज दिस इज अ फॉरेस्ट एरिया, समझ लो आपको इजीली फ्री में, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है आंसर नहीं देगा. नाउ आपके पास एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया, एक तो आपके पास केस है कि यहाँ से वाटर स्ट्रीम निकाल दो, है ना, सो दैट अगर यहाँ पर आग लगी तो इट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर, है ना. सेकेंड है रोड्स, तो इस हिसाब से उसको कंपार्टमेंट में हमने कर दिया, सो दैट फॉरेस्ट फायर कैन नॉट ट्रांसमिट टू अदर एरिया. अगर ए में है तो इतने एरिया में रहेगी, अगर ये हम नहीं करते तो क्या होगा, पूरा एरिया गया, ठीक है. तो दिस इज अनदर मेथड. द थर्ड मेथड इज काउंटर फायर. काउंटर फायर में क्या होगा, कंट्रोल्ड तरीके से चला दो पहले. हाँ जी, कंट्रोल्ड तरीके से चला दो. किसको, फिर जो फॉरेस्ट चल रहा है पता जलाना है बट कंट्रोल तरीके से. लेट अस सपोज फायर इज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एरिया को डिमार्केट कर लिया,
देन वी विल फायर दिस एरिया, ठीक है, यहाँ से इसको पीछे लाए, उसका सारा सॉल्यूशन कर लिया, देन फायर विल मूव टुवर्ड दिस एरिया, यहाँ से ऐसे आ रही है, और जब आपस में मीट करेंगे क्या होगा, फायर विल एक्सटिंग्विश। वो एरिया देखकर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वो वैसे तो पूरा ही हो जाएगा ना, इसमें जाएगा कौन सा एरिया आपको, ग्रासी एरिया, ऐसा नहीं हो आप लाइन को काट दो, रोड्स मल्टीपल रोड्स नहीं, देखो रोड्स की वजह से कभी हम बोलते हैं दैट लीड टू अ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऐसा नहीं होता, नॉइस जो रोड पर गाड़ी चलती है ना, नॉइस इज अ मेजर फैक्टर, इसलिए वो प्रॉब्लम, यहाँ पर ऐसे रखो आप, ठीक है, अब ओके, जब फायर इस तरह मूव करेगी, ये इस तरह मूव करेगी, क्या होगा एट पर्टिकुलर एरिया, ना तो इधर क्रॉप है ना इधर है, तो क्या होगा, फायर बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है कोई इग्नाइट करने के, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड काउंटर फायर। लास्ट वन इज ग्रीन लीफी ब्रांचेस टू बीट फायर आउट, ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया, एक तो कंपार्टमेंट है, काउंटर फायर इज देयर, हेलीकॉप्टर वो तो हम इंडिया यूज नहीं करते, ठीक है, काउंटर फायर इज देयर, देन ग्रीन लीफी ब्रांचेस टू बीट द फायर, वो लेकिन वो लोकल के लिए होगा, ओके, नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फॉरेस्ट फायर इज बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट फायर, नंबर वन इज रीवाइटलाइज द सॉइल, ये क्लियर है इतना, रीवाइटलाइज कैसे करेंगे सॉइल को, न्यूट्रेंट इंक्रीज इन न्यूट्रेंट, है ना, फायर से क्या होगा, ऐश है ना, उस ऐश में क्या है, न्यूट्रेंट, सो रीवाइटलाइज, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी ना दैट द कैटल ग्रेजर्स दे जनरली बर्न अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, तो उससे क्या होता है, फ्रेश ग्रास द हाई प्रोडक्शन होती है ग्रास की, सिमिलरली स्लैश बर्निंग, नो द रीजन बिहाइंड स्लैश बर्निंग इज लैक ऑफ लैंड, तो चलो वो अलग रीजन है, बट इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी इज ऑल्सो रीजन, किसे कौन कहता है उसे कम होती है, उसका रीजन है पॉजिटिव रीजन है, वो तो बताया जाता है कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, कौन कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि दैट स्ट्रॉ को उसी में रहने दो, सो दैट व्हेन दे डीग्रेड उसमें, हाँ न्यूट्रोजन नाइट्रोजन टाई अप उससे जरूर होता है, वो मैं करवा दूंगा किसी ने इसका मतलब नहीं। सेकेंड इज रीजनरेशन, फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्रीज, पाइन ट्री नीड फायर, पाइन ट्री नीड फायर टू प्रोड्यूस सीड, टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है, सो अगर आपको पूछा जाए दैट सम फॉरेस्ट और सम ट्रीज नीड अ फायर टू ग्रो देमसेल्फ, तो ये सही होगा या नहीं, सही होगा, सही, अगर उसने ऑल बोला देन इट विल बी रॉन्ग। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, इसमें लिखो इंटरमिटेंट बर्निंग इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी, देखो ये एक बात याद रखना, दिस इज इंटरमिटेंट नॉट अ फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट फायर, फुल फ्लेज्ड होगी वो तो सब कुछ ही खत्म हो गया, है ना, इंटरमिटेंट अगर एक पर्टिकुलर एरिया में फायर हुई ये फॉरेस्ट है, नो विद दिस फायर जो नई स्पीसीज आएगी प्लांट्स और एनिमल की जो सर्वाइव करेंगे, दे हैव डिफरेंट ट्रेट्स, क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर रही है, ऐसी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, अगर आप देखो एक रीजन से कोई, अगर कोई पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में आए तो उसमें क्या होगा, इट हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और विद टाइम से क्या होगा, वो डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना, ऐसे बायोडाइवर्सिटी ग्रोथ
Now if particular area is fired in a forest, so वहाँ से क्या होगा? The new species must have capability to live in this particular area, एक particular environment में. यहाँ तो वो होगी वैसे, यहाँ उसको develop करनी होगी. ठीक है? Okay. So next is stronger and healthier growth of trees. Stronger and healthier growth of trees. देखो फायर दो तीन टाइप की होती है. एक होती है ग्राउंड फायर जो ऊपर ऊपर से ज़्यादा करती है, एक होती है अंडरग्राउंड नहीं, अंडर ट्री. एक ट्री है, ठीक है, फायर की हाइट जो इतनी है इससे ज़्यादा है नहीं, ठीक है. इट मीन्स दैट इट विल एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करेगी? ग्रास. नो, व्हेन दिस ग्रास विल बी एलिमिनेटेड आफ्टर दिस, इट मीन्स दैट कॉम्पिटिशन विल डिक्रीज. ट्री के लिए कंपटीशन तो डिक्रीज हो गया, अदरवाइज ग्रास भी न्यूट्रिएंट ले रही थी, ठीक है. अगर सब एरिया में फॉरेस्ट फायर होगा, इट मींस दैट कंपटीशन विल डिक्रीज एंड इट इज गुड फॉर द ट्रीज ग्रोथ. क्लियर है? समझ आ रहा है सर? हाँ जी सर. रीवाइटलाइज और रीजनरेशन में फर्क नहीं समझ आ रहा है? रीवाइटलाइज रिवाइटल दोनों सुनिए. रीवाइटलाइज मतलब सॉइल को एकदम से जैसे बैरन टाइप होती है, दैट न्यूट्रिएंट क्वालिटी इज वेरी लेस. रीजनरेशन इज अबाउट ट्रीज, रीवाइटलाइज अबाउट सोइल. समझे आप? कि कुछ ट्रीज को अगर फायर हायर टेम्परेचर पर उनके सीड जर्मिनेट करते हैं, दे नीड हायर टेम्परेचर. इसका मतलब या तो फॉरेस्ट में फायर हो, ठीक है, विद दैट फायर उनके जो सीड जर्मिनेट होंगे. बट रीवाइटलाइज सॉइल का मतलब ये नहीं कि उनके सीड जर्मिनेट हो जाए, क्योंकि सीड की रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर. और सॉइल रिवाइटलाइज आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस. पाइन ट्री को फॉरेस्ट में चाहिए रीजनरेशन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं. फिर तो एक ही होता दुनिया में अगर फॉरेस्ट फायर ना हो. क्या मतलब? सम इसका मतलब वो रीजनरेट ज़्यादा करते हैं विद अ फॉरेस्ट फायर देन देयर नेचुरल कैपेसिटी. समझे आप? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर तो फुल फ्लेज फॉरेस्ट फायर होगी, फिर तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी ना. बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी फॉरेस्ट फायर से ओनली व्हेन द फॉरेस्ट फायर इज इंटरमिटेंट, कुछ एरिया में आए कुछ में नहीं. अगर फुल फ्लेज है फिर तो बायोडाइवर्सिटी की बात छोड़ दो, फिर तो वहाँ पर कुछ नहीं है. क्लियर?